पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत गांव कोहनाल पंचायत सिद्धपुर घाट से गुज्जर समुदाय से गुम हुए 55 वर्षीय को आज 14 दिन तक पुलिस तलाशने में असफल रही। जानकारी के अनुसार लालदीन पुत्र शुक्रदीन निवासी कोहनाल को गत 28 सितंबर के दिन कुछ अज्ञात लोग घर से उठाकर ले गए थे। इसके उपरांत लालदीन की पत्नी जीवो बीवी ने पुलिस थाना ज्वाली में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शक के आधार पर पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा था उसे पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ दिया। जीवो बीवी का कहना है कि पुलिस सही ढंग से तफ्तीश नहीं कर रही। कार्रवाई नहीं कोई भी करार दे था। आज 13 दिन हो गए ने चढ़े आंदे एक दो बारी गए पूछते मंगते थे थाने में जाके सदा दे कोई कार्रवाई नहीं करा दी। वो दो दिन का टाइम देता था फिर भी ऐसी रोज आ करते ना दिया दे तो पूछते ना कार्रवाई करा दी। इस संबंध में आज 150 लोगों ने आंदोलन किया और ज्वाली पुलिस से शीघ्र ढूंढने की मांग की। फादर गुम होए ऐसी इन्नी बार आए साड़ी गौर नहीं की थी इन्होंने कुछ नहीं सानू जरा पूछते मंगते हंसते रहते धमकी देते बंद कर देंगे साले कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते दो दिन च आ जाना उन्हें नहीं मैं आंदा इस टाइम तक वो फोन च भी धमकियां लेंदा सी मेरे डैडी नू अज तक उन्हें पैसे भी उसके खाते च पता नहीं कुछ खाते च पाँदा सी फोन करके उन्होंने धमकियां भी दिता सही दिनेश पैसे पाँदा तो डैडी बोलता वो खाते च पाते और डैडी मंगता सी पैसे वो दिता नहीं अज तक पैसे नहीं उन्हें डैडी के दिते डैडी ने धमकड़े कर देने धमकियां दिता सी। वहीं पुलिस का कहना है कि एक दो दिन में मिल जाएगा लेकिन आज तक नहीं मिला। ज्वाली से अनिल चंगू की रिपोर्ट।